बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में इंशाल्लाह रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रेसिपी चिकन के कोफ्ते, जो मैं आलू के साथ बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमें, मैंने आधा किलो चिकन ले लिया और ये अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून है और हरा धनिया पुदीना, ये दही है 1 टेबल स्पून, ऑयल आधी प्याली और आधी गड्डी हरा धनिया। अच्छा, ये भुना हुआ बेसन है और गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च है और ये लाल मिर्च और अदरक लहसुन है, ये जो चिकन में हम डालेंगे उसके लिए है। उसके साथ ये जो हम कोफ्ते का मसाला बनाएंगे उसमें ये 3 प्याज, 3 अदद आलू है और 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च है। तो मसाले में जो हम बनाएंगे कोफ्ते का, तो उसमें ये अलग से मसाला जाएगा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून नमक हसबे जायका है और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, पिसा हुआ धनिया और 1/2 टेबल स्पून है काली मिर्च और 1 चिकन क्यूब जाएगा, तो हम वो भी डालेंगे चिकन क्यूब। तो मैंने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको तैयार करते हैं, 1/2 kg मैंने चिकन के मैंने क्यूब्स लिए हैं, कीमा नहीं लिया, तो ये मैंने धो धा के रख लिए। तो अब हम इसे मशीन में अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखें कीमा, चाहे वो बीफ हो, कबाब के लिए कुछ भी हो, इसके लिए आप कीमा कभी ना इस्तेमाल करें। जो आप गोश्त का बनाएंगी उसका बिल्कुल ही अलग मज़ा और जायका होता है। तो ये मैंने क्यूब्स में ले लिए थे चिकन के, तो मैंने इसके अंदर 1/2 kg है, तो इसमें मैंने हरा धनिया 1/2 गड्डी डाल दिया और इसके साथ पुदीना 1/2 गड्डी है, ये हमने डाल दिया। तो ये जो हम कोफ्ते तैयार करेंगे ना, तो ये मैं उसके मसाले बता रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन दिया है और इसके साथ 2 हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है 1/2 टेबल स्पून है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ये सब 1/2 टेबल स्पून है। तो ये हमने डाल दिया है, ये हम कोफ्ते का मसाला तैयार कर रहे हैं जो चिकन में मैंने सारा डाला है। तो हम इसको अच्छी तरह बारीक से पीस लेंगे और अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे और इतना कि आपको लगे कि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। ये देखें इस तरह हमने बारीक इसको पीसना है चिकन, देखिए कितना अच्छा मसाले के साथ हमने इसको पीस लिया। अब मैं इसको निकालूंगी कोफ्ते को जो हमने तैयार करना है। सारा कीमा मैंने चिकन का, बस लोग मतलब हम लोग भी बीफ का पसंद करते हैं, कबाब जैसे कोफ्ते और कच्चे कीमे के कबाब, चिकन के कहते नहीं इतने अच्छे, लेकिन जिनको बीफ मना हो, मटन नहीं खाते हो कोई, तो आप इस तरह चिकन की ये डिश भी बना सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं चिकन के। चिकन के कबाब भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊंगी। तो मतलब वो जो बीफ वगैरह नहीं खा सकते तो आप इस तरह चिकन के कोफ्ते बना सकते हैं बीफ की जगह। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है जो हम इस कीमे में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब हमने इसको मिक्स अच्छी तरह करने के बाद, खूब अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको हम एक ही साइज के कोफ्ते बना लेंगे, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको एक साइज के बना के रखेंगे। तो मैं अमूमन बनाती हूँ चिकन के कोफ्ते, चिकन के कबाब और काफ़ी चीज़ें, शामी कबाब भी बनाती हूँ, वो भी मैं बताऊँगी आपको बहुत जल्द, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बीफ के अलग है क्या ज़ाहिर है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और चिकन के भी आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। तो एक नई चीज़ होता है कि चले वो डिश बना ली, तो चिकन के कोफ्ते, बीफ के भी कोफ्ते होते हैं अच्छे, और इस तरह मैंने चिकन के मैं कोफ्ते बहुत बनाती हूँ क्योंकि बहुत पसंद है बच्चों को,
मुझे भी, घर में सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत शदीद बढ़ रही है और लाइट वैसे ही जा रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन शुक्र है कि एक दो रोज़ से बारिश हो रही, तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन ये है कि बारिश, देखें सुना है कभी और भी होगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन खैर शुक्र मौसम अच्छा बेहतर हो गया है। ये देखिए मैंने एक साइज़ के ये कोफ्ते चिकन के बना लिए, तो 13 से 12 कोफ्ते आपके आधा किलो में तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने बना के तैयार कर लिए है, इसको हम बिल्कुल अलग से रख देंगे। अब हमने जो बनाना है कोफ्ते का मसाला, तो उसके लिए ये मैंने 3 अदद प्याज ली थी, उसको मैंने पीस ली। इसमें आधा आप इसमें शिमला मिर्च काट के डाल दें, ठीक है, वो उससे है ना मसाले में अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके साथ ज़ीरा डाल दिया आपने 1 टेबल स्पून, जो मैंने बताया था। फिर आपने इसमें इसके बाद हम इसमें 1 चिकन क्यूब डालेंगे। तो बस प्याज और शिमला मिर्च और क्यूब, ये हमने बारीक इसको पीस लिया है। तो देखिए ये अच्छा हरा सा भी थोड़ा सा शिमला मिर्च की वजह से मसाला हो गया है। और इसके बाद हम इस कढ़ाई में आधी प्याली ऑयल डालेंगे। जो हमने मसाला पीसा है प्याज और क्यूब और शिमला मिर्च, तो ये हम इसमें कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद डाल देंगे। ये हमने मसाला अच्छी तरह डाल दिया है और इसको जो जग में लगा हुआ है उसको भी अच्छी तरह आप साफ करके डाल दें। तो अब इसको हमने बिल्कुल फ्लेम हमने मीडियम रखना है और इसको अच्छी तरह भुनना है। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ लिया, ये भी आपने इसके साथ डाल दिया। और इसके साथ ही ये जितने मसाले मैंने आपको पहले इनकी मिकदार बता दी थी, नमक हसब जायका, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला है और लाल मिर्च और ये कसूरी मेथी है, तो इसे हम लास्ट में बताएंगे कब डालना है, तो ये अभी नहीं डालेंगे। तो ये हमने इसको अच्छी तरह आहिस्ते आहिस्ते भून करके देखना है, भुनना है कि उसके बाद इसको इतना भुनना है कि जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये मसाले तैयार जब होता है उसकी एक निशानी यही है, जब तक आपका ऑयल ऊपर ना आ जाए। अच्छा, ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही डाला है, उसे भी मैं हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और ये मैंने बारीक बारीक टमाटर काटे हुए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि मसाला जो भी आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, चाहे मतलब एक तो प्याज ब्राउन करते हैं उस तरह से भी मसाला तैयार करते हैं, तो जल्दी में कोई चीज़ उसमें डाल दें तो उसमें भी कच्चापन रह जाता है। तो अगर आपने फौरन इसको भी ज़्यादातर देर तक नहीं भुना और इसमें चीज़ें आपने जैसे कोफ्ते डाल दी या कोई और चीज़ बना रहे हो चिकन, ये तो वो कच्चापन सा मसाला मसाले में रहता है, वो तैयार नहीं हुआ हुआ होता मसाला। तो इसकी बस यही है कि इसका फ्लेम आपने मीडियम रख के इसको इतना भुनना है अच्छी तरह कि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। ये टमाटर देखें थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी मैश हो जाएगा इसके अंदर, तो उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारा मसाला कोफ्ते का तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखना होता है थोड़ी थोड़ी देर में, 10 मिनट 5 मिनट इस तरह। फिर आपके जो भी डिश बना रही हैं, मसाला तैयार कर रहे हैं, तो किसी में जल्दी तैयार हो जाता है और थोड़ा टाइम लगता है और किसी में जल्दी। तो ये मैंने 3 अदद आलू काटे थे, जैसे मैंने बताया था कि कोफ्ते के साथ मैं आलू बना रही हूँ, तो इसको भी साथ भुनेंगे। और अगर जिन्हें आलू नहीं है पसंद तो वो सिर्फ कोफ्ते बना सकते हैं, तो आप इसमें ना डालें आलू। लेकिन हमारे यहाँ ये कि बच्चों को सबको आलू बहुत पसंद है, तो मैं कोफ्ते आलू बीफ के भी बनाती हूँ, तो उसमें मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह भुन गया मसाला, इसमें बस थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डाल के इसको भुनने के बाद इसे पानी डाल के आलू उसमें गल जाए इतना हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो फिर इसको फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है मैंने
और इसको फिर कवर करके रख देंगे। एक प्याला आधा प्याला पानी डाल दें आप तो ये उसमें आलू गल जाएंगे, और आलू थोड़े से मतलब रह जाए गलने के लिए, ताकि जब हम कोफ्ते डालें तो उसके साथ वो आलू अच्छी तरह गल जाएंगे, आपके आलू टूटेंगे नहीं ना हलवा होंगे। तो इस तरह थोड़ा सा आलू रखें कच्चा हल्का सा, वो आप जब कोफ्ते बनाएंगे इसके अंदर डालेंगे तो वो अच्छी तरह गल जाएंगे। तो ये देखें इसके ऊपर ऑयल आ गया है, अब ये मैं कोफ्ते डाल रही हूँ, और कोफ्ते डालने के बाद आलू गल चुके हैं, थोड़े से आलू गलेंगे तो 7 से 8 मिनट में ये आपकी डिश तैयार हो जाएगी। चिकन के कोफ्ते के साथ है कि चिकन के जो कबाब मैं बनाती हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बताऊँगी, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। और चिकन के कोफ्ते हो गए और शामी कबाब वो भी अच्छे होते हैं, तो वो भी मतलब हर चीज़ अलग अलग है, बीफ है मटन है, जो आप बीफ में बना सकते हैं तो वो आप चिकन में भी बना सकते हैं मटन में भी। तो इस तरह के मैं चिकन के कोफ्ते बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और इसमें कभी बाज़ दफ़ा मैं बॉयल अंडे भी डालती हूँ, तो चाहे वो आलू हो अंडे हो चिकन अंडा चिकन कोफ्ते के साथ अंडे आप डाल दें तो बॉयल अंडे अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब ये देखिए इसका ऑयल कितना ऊपर आ गया है, तो अब हम इसको कोफ्ते तैयार हो जाए इसमें 8 से 10 मिनट लगेगा, तो इसको हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गले। तो ये मैंने 3-4 हरी मिर्च ऊपर से डाल दी है, और इसके साथ मैं ऊपर से कसूरी मेथी है तो वो जब तैयार होने पे हो तो ही डालें, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो ये मैं बस तैयार होने पे ही उसको डालती हूँ। तो बस 7-8 मिनट में ये आपकी डिश तैयार हो जाएगी। तो इसको भी हम इस बिल्कुल कवर करके रख देंगे और फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम रहेगा, और बिल्कुल ये कोफ्ते आपके नहीं टूटेंगे ना आलू, और बहुत ही मज़े की ये डिश तैयार होगी। चिकन के कोफ्ते आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा कैसे लगे। तो ये हमारे ये देखिए ये हमारे कोफ्ते आलू तैयार हैं, और इसका ऑयल भी बहुत अच्छा ऊपर आ गया है, और हमने शोरबा जिसे चाहे वो पतला जो चाहे रखे नहीं तो गाढ़ा रखे, तो मैं मीडियम में रखती हूँ, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए ये तैयार हो गया, और इसकी शक्ल देखिए बहुत ही अच्छी शक्ल, और कोफ्ते का साइज़ देखिए बिल्कुल एक जैसा है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते देखें लग रहे हैं। तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, और ये देखें बिल्कुल आलू भी बिल्कुल इसके साबुत हैं, कोई नहीं टूटे इसके आलू। तो ये आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं ये। तो ये हमारी डिश मैं आउट कर रही हूँ, ये डिश आउट मैंने करने के बाद इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से, और हरी मिर्च मैंने तो 3 अदद डाली है, कि लाल मिर्च भी है वो हसब जायका, जो तेज़ अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च वगैरह या हरी मिर्च और ज़्यादा काट के डाल सकते हैं। देखिए मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है इसको, और इसको आप जैसे मैंने बताया चपाती पराठे बॉयल चावल या पुलाव सादा उसके साथ भी खा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी फीडबैक दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक दें अपनी, आपको कैसी लगी ये डिश, और मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं अपनी अगली डिश के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह हाज़िर होंगी, और तब के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।